जय बाबा बैद्यनाथ चौहार, आप सभी का स्वागत है इस देवघर सीरीज के तीसरे भाग में। तो चलते हैं, इस भाग में हम लोग घूमते हैं शिवलोक परिसर, जो कि पर्यटक विभाग के द्वारा लगाया गया है। जब आप शिवलोक परिसर में इन करेंगे, आपको यहाँ पर काफी दुकानें दिखेंगी। सबसे पहले आपको ये स्वागत होगा श्रावणी मेला, उन जनसंपर्क केंद्र बनाया गया राज्य झारखंड राज्य खाद्य ग्राम उद्योग से सबसे है मूल पाचक अश्वगंधा पाक। ये आप देख लीजिए, यहाँ चंदन की लकड़ियाँ, लगभग महाराज बहुत सी अगरबत्तियाँ, ये खाने पीने की दुकानें, खाने पीने की राजस्थान सामान बनाया। There is no new obligation to buy anything. ठीक है सर। You are from somewhere from Tata ना? Forest Bhuneshwar। क्या बात है सर, अभी हम लोग भुवनेश्वर गए थे और जबरदस्त आपके यहाँ हमारा रिस्पॉन्स था। ये आप देख सकते हैं जूट की बनी हुई ढेर सारे पेंटिंग, जो कि देवघर जिले में ही बनाया जाता है, उसे भी इस पर दर्शनी में लगाया गया है। आप जाके इसे खरीद भी सकते यहाँ पर्यटक विभाग के द्वारा जो दर्शाया गया है कि कैसे कांवरिया गंगा जल उखड़ते हैं और पूरे पथ को एक चित्र के रूप में दर्शाया गया है। गंगा धाम यहाँ से गंगा जी में स्नान करके कांवरियों ये तारापुर गेट पार करने के बाद हम पहुँच जाते हैं रामपुर में। रामपुर में कंवरिया पहुँचने के बाद हमारे साथ जलेबियाँ देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। कंवरिया धर्मशाला और पुरानी धर्मशाला है, ईराना हमारा है झारखंड राज्य में आप प्रवेश कर जाते हैं। झारखंड राज्य में प्रवेश करने के लिए स्नान करके शिवगंगा और शिव गंगा जी।
सामने साक्षात कठपत्र को भी दिखाया गया जिससे मंदिर सामने माता पार्वती विराजमान एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर शिव के साथ साथ शक्ति भी विराजमान है। मंदिर मंदिर बाबा अनुकूल चंद्र जी का अभिनंदन कहा परिसर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि शिवलोक परिसर में आपको देखने के लिए और क्या क्या है। जैसा कि ये देख सकते हैं पहाड़ बनाया गया है। श्रावण में आ रहे हैं तो ये सब मेषना के हैं। ये आपका इसमें पथ भी है आपको जाने के लिए। ये उत्कृष्ट भक्ति। अब हम लोग रावण की पूरी मतलब शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई ये हम दिखाते हैं चित्र के द्वारा। उत्कृष्ट भक्ति, बलिदान की प्रकाष्ठा, अपने सर को काट के चढ़ाने लगा था वह शिवलिंग पर भगवान का, और वरदान एक सामान्य सर स्वर्ग में अशांति, एक ईश्वरीय योजना, आकस्मिक रुकावट, प्रबल रोष, सनातन स्थापन ना भगवान का घर, और ओम नमो भक्ति रुद्राय ओम नमः शिवाय। आप देख सकते हैं शिवलोक परिसर में आदि योगी का एक रूप तैयार किया गया है। इसमें 3D इफेक्ट के द्वारा शो चलाया जाता है। एक सारे पत्थर से बना बाबा बैद्यनाथ का पूर्वाभिमुख मंदिर 72 फीट ऊंचा है। इस अनूठे तीर्थ में लक्ष्मी नारायण मंदिर, माँ पार्वती मंदिर, माँ संध्या मंदिर और माँ काली का मंदिर भी विद्यमान है। इस पवित्र भूमि में शिवलिंग की स्थापना श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु द्वारा होली के शुभ दिन पर की गई थी। उस शुभ अवसर को आज हरिहर मिलन के रूप में मनाया जाता है। उनके प्राचीन और अत्यधिक लोकप्रिय तीर्थों में से एक इस तीर्थ में हर साल श्रावणी मेला होता है। महीने भर चलने वाला श्रावणी मेला भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला उत्सव में से एक है। इस मेले में भारत भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। कांवड़िया करने जाने वाले यह तीर्थयात्री सुल्तानगंज से हिमाचल के तहत गोल बाग का भ्रमण करते हुए 100 किलोमीटर मंदिर पहुंचते हैं। शासक और विद्वान रावण महावीर का अनन्य भक्त था, आध्यात्मिकता और शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन अहंकारी और सिद्धि था। इसी अहंकार के कारण उसने भगवान शिव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाने का मन किया। इसीलिए वो कठोर से कठोर तपस्या करने के लिए भी तैयार था। उसने अपना सिर शिवजी को अर्पण कर दिया। शिवजी ने उसे दया से दे दिया। उसने जब 10वीं बार अपने सिर का बलिदान दिया तब भगवान शिव उसकी तपस्या देख कर प्रसन्न हुए, उसकी इच्छा का स्वीकार किया। लेकिन एक शर्त पर, शिवजी की प्रसन्नता से स्वर्ग में हाहाकार मच गया। देवताओं ने भगवान विष्णु की मदद मांगी। शिवजी की शर्त यह थी कि अगर शिवलिंग को रास्ते में कभी समीप पर रखा गया तो फिर वो वहां से शिवलिंग को नहीं ले जा सकता। शिवजी के वरदान से प्रसन्न रावण लंका की तरफ चलने लगा। देवगण व्याकुल था, रावण के अधिक शक्तिशाली हो जाने के डर से चिंतित था। तभी भगवान विष्णु ने देवी गंगा का आह्वान किया
के शरीर में प्रवेश करने को कहा, जिससे राव को लघु क्षमता के लिए रुकना पड़े। कुछ समय पश्चात ये देवों की युक्ति सफल होगी दिखाई दे, लेकिन राव शिव जी का अनुज भक्त था। वह जानता था कि लघुशंका के पश्चात बिना हाथ धोए शिवलिंग को छू नहीं सकता। उसने मदद के लिए आस पास देखा तो उसे एक चरवाहा दिखा दिया, जो चरवाहे के भेज में भगवान विष्णु है। चरवाहा शिवलिंग को उठाए रखने के लिए सहमत हुआ। रावण शीघ्र ही लौट आने की बात करके निकल पड़ा। गंगा जी ने रावण के शरीर से बाहर निकलने में बहुत समय लिया। शिवलिंग को अधिक देर तक उठाए रखने में असमर्थ चरवाहे ने शिवलिंग को समीप बना दिया। लघुशंका के पश्चात हस्तक्षेप के लिए पानी छोड़ा, लेकिन आसपास कहीं पानी नहीं था। उसने धरती से पानी निकालने के लिए जमीन पर प्रहार किया, जब जलस्रोत आज भी मौजूद है। हस्तक्षाल के पश्चात लौटने पर रावण ने शिवलिंग को जमीन पर देखा तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने शिवलिंग को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, मगर शिवलिंग को उठा सका। गुस्से में लाल बनने रावण ने शिवलिंग को जमीन में दबा दिया। रावण को कहा पता था कि वह जिस भूमि पर खड़ा है वह एक शक्तिपीठ है, और ऐसे रावण भूमि पर आपका सहज स्वागत है। जय समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।